इंसान है, मैं भरल आप जवान है, राय हल भी तो देना है, इंसान है, गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, गिरिया गिरिया खुदा की बारगाह में रोए, गिरिया करें। रोना इंसान को तब्दील कर देता है। दुआए कुमैल के जुमले हैं, ला युमकिनुल फरार मिन हुकूमत, परवरदिगार तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन। श्री वो शख्स आया था इमाम हसन मुस्तफा की खिदमत में कि मौला गुनाह कहाँ करे, कोई मैं गुनाह करना चाहता हूँ। इमाम ने उसको चंद चीज़ें बताई कि गुनाह करना चाहते हो ऐसी जगह गुनाह करो जहाँ खुदा नहीं है, खुदा की हुकूमत नहीं है। गुनाह करना चाहते हो तो खुदा की कोई नेमत का इस्तेफादा नहीं करो, खुदा की दी हुई चीज़ों को खाओ नहीं, ऐसे चंद चीज़ें बताई। तो उसने बोला ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है, तो कहा तो बस फिर गुनाह नहीं करो, क्यों गुनाह करना है। अज़्ज़ाले मोहतरम, खूब ये दुश्मन का एक खतरनाक टूल है, और इसमें ये तो टीवी मीडिया जाहिर ही है। दूसरी चीज जो इसके अंदर तासीर गुजार है वो खुराक है, वो लुकमा। ये जो लुकमा इंसान खाता है ये इंसान की गैरत पे असर करता है, हराम लुकमा इंसान को बेगैरत बना देता है। हमें नहीं पता माशरे में क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या बट रहा है, क्या क्या चीजें अंदर आ रही है। क्यों वो माशरा, वो से मुराद वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। अब बाउंड्रीज नहीं है कि आप बोलें उधर इधर ना, अब तो हर जगह है। क्यों वहां गैरत आपको नजर नहीं आती, लुख्त हो जाना, साथ सारे काम कर लेना, क्या चीज है। सुअर का गोश्त इंसान को बेगैरत बनाता है। क्यों इस्लाम उसे मना कर रहा है? अब हमें पता ही नहीं है, हमारे यहां पता नहीं कौन कौन सी उसमें मिली हुई चीजें इधर पेस्ट में। बहुत शौक से हम बाहर के चॉकलेटें खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, हमें क्या पता क्या है। देखना चाहिए, बहरहाल थोड़ा बहुत जब तक उन्होंने लिखा हुआ, ना लिखा हो तो फिर किसी को भी कुछ नहीं पता क्या है। खुराक और हराम, खुदा नखास्ता अगर इंसान हराम कमाता हो तो अगर कल को खुद नहीं औलाद खराब हो तो शिकवा कैसे करेंगे आप? हम लोग को दी गया कैसे कैसे हादसे जो हैं वो कानात में हैं, जरा सा कतरा अंदर चला गया इंसान गया। ऐज़ाने मोहतरम, करबला पहुंचना आसान नहीं है, बड़े मराइल से स्कैन होके गुजर कर करबला पहुंचता है। अब समझ में आया 313 क्यों नहीं हो रहे? 313 नहीं हो रहा है, 313 हैं, फिक्स है, वो हैं, उनकी टेंशन नहीं लें। 313 का नाम वाम सब रजिस्टर्ड है, वो लिस्टेड हैं और अच्छे खासे तैयार भी हैं। उनकी मुश्किल मुश्किल नीचे है, जो हर उन 313 के नीचे हजारों लोग चाहिए वो नहीं हो रहे। जो उम्मत वसत है ना, वो नहीं हो रही है, जहां 10,000 15,000, वो हर एक शख्स को नीचे चाहिए, एक पूरा सेटअप चाहिए। अभी आप यहां मजलिस कर रहे हैं, आप कितने वॉलंटियर हैं आपके, ट्रैफिक के लिए, बिठाने के लिए, इधर करने के लिए। हालांकि एक मजलिस हो रही है, इस तरह की पूरे शहर में कितनी मजलिसें हो रही हैं। और आप सोचें जहां जहां मजलिस हो रही है वहां कितने लोग एक छोटे से काम, छोटी सी देर, एक दो घंटे के लिए काम के लिए कब से लगे हुए होते हैं, शाम से लगे हुए हैं। हमें नजर आता है एक घंटे की मजलिस है, लेकिन पीछे मेहनत बहुत होती है। तो आप सोचें जब हुकूमत जहानी बनेगी तो कितने लोग चाहिए? 313 तो कमांडर है, उसे नीचे लोग नहीं चाहिए। वही उम्मत वसत तैयार करनी है हमने, ये मजलिस आजादारी उसी उम्मत को तैयार करने के लिए है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई मसलक, कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ये जहानी है। जहां दुश्मन आपके ऊपर हमला करते हुए वो खित्तों की, वो जगह की, वो मुल्क की, अब उसकी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि आप बोले इसका ताल्लुक वहां से, ना, उसकी सारी प्रोडक्ट ग्लोबल है, ग्लोबल है।
पहले कोई चीज होती थी वहां बनी तो यहां आते आते उसको कई साल लगते थे, अब कुछ नहीं है ऐसा, अब एट अ टाइम सारी चीजें पहुंच जाती हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि अब उसका प्लान ग्लोबल है, एजेंडा उसका ग्लोबल है, सबको एक साथ बर्बाद करना है, सबको एक साथ खराब करना है, सबको एक साथ करप्ट करना है। बोलेंगे तो बोला ना, वो फिर अपने मुल्कों में होंगे, इंसानियत दोस्ती थोड़ी हो, चाहे वो उनका मुल्क, उनका कोई मुल्क नहीं है, वो शैतान के पैरोकार है, और शैतान हजरत आदम की औलाद का दुश्मन है, और शैतान को हजरत आदम ही के जख्म तो निकाला गया था, तो उससे थोड़ी है कि कोई काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, वेस्ट में रहता हो, ईस्ट में रहता हो, उसे कोई फर्क नहीं, उसका एजेंडा एक ही है। अब उस एक इतने बड़े एजेंडे के मुकाबले में ये हुसैनियत है जो ग्लोबल अटैक कर रही है उसके ऊपर, ये जो आज आपको नजर आता है कि कहीं परेशानी है, मजलिस वजादारी यूं ना हो, ये ना हो, रोको फलाना, क्यों है ये? क्योंकि उसे पता है कि यही एक ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम है पूरा, कि ये पूरी दुनिया में एक ही आवाज निकालता है, और ये एक नाम ऐसा है जो हर रंग और नस्ल को जमा कर रहा है। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, हुसैन का नाम, हुसैन यजमाउना, सब को जमा कर रहे हैं, कोई किसी रंग का, कोई किसी जबान का, कोई कहां कहां, आप देखें अभी करबला अरबईन, पूरी दुनिया समझ रही है कि कौन है हुसैन, और यही एक सिस्टम है जो कांठा बन गया है, मुश्किल आ गई है, क्या करें, इस कौम को जितना मारो ये और उभर के आती है, ये आती है उभर के, वक्त नहीं है, बहरहाल मैं जो है वो पेंटागन के स्ट्रेटेजिकल प्लानर का बयान आपकी खिदमत में पेश करूं, खूब वो परेशान है इससे, क्या करे, कैसे रोके, इसलिए उन्होंने एक लिबादा ओढ़ा अंदर आने का, कि इन्हीं की शक्ल सूरत में अंदर आ जाओ, उससे क्या होगा, कम से कम इनके मेंबर पे बेदारी के पैगाम तो नहीं होंगे, सुलाने वाले पैगाम, ये भी उन्होंने बहरहाल कोशिश की लेकिन चल नहीं पाया सिस्टम ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये मेंबर रसूल का है,